नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल एसटीएफ न्यूज के ऊपर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पहली बार अपने समर्थकों को ये बताया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो क्यों समर्थन दिया। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, परंतु फिर भी उन्होंने समर्थन इसलिए दिया है तो उन्होंने बताया कि हमने ये सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो निर्दलियों के साथ भी सरकार बना सकती थी, परंतु उन्होंने हमें महत्व दिया और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके साथ मिलकर हम काम करें और हमारा जो मैनिफेस्टो है उनके अनुसार वो हरियाणा की जनता को वो सुख सुविधाएं और लाभ मिले। साथ में ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगर विपक्ष में होते तो शायद सरकार को मनवाने के अंदर वो समय लगता, परंतु अब सरकार के अंदर है और हमारे पास 10 विधायकों की स्ट्रेंथ भी है तो हम सरकार से वो हर काम आसानी से करवा सकते हैं। यानी जो किसान गरीब मजदूर की जो मांगे लेकर हम चले थे उनको हम सरकार के माध्यम से मनवा सकते हैं, साथ में ही हरियाणा की जनता को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जो विरोधियों के द्वारा जो भी आज अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान न देते हुए वो जननायक जनता पार्टी के लिए उसी तरह वो लगे रहे जिस प्रकार वो चुनाव के अंदर वो लगे थे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष में होते तो हमें ये भी डर रहता कि कहीं हमारे विधायक जो है कोई भी लालच के अंदर आकर पैसे या मंत्री पद के लालच में आकर पार्टी से बगावत न करें और साथ में हम एकजुट रहें और सत्ता के अंदर रहकर हरियाणा की जो जनता है उनके हित का फैसला लें, उनके जो भाग्य का जो फैसला है वो करें और साथ में ही हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान गरीब मजदूर की जो आवाज़ है वो बनकर हम विधानसभा के अंदर जाएं जहां पर हम उनकी आवाज़ है वो उठा सके। तो दोस्तों, आपको कैसा लगे ये दुष्यंत चौटाला के विचार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं।